नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से, लेकिन मैं अभी प्रसारण कर रहा हूँ अपनी आवाज़ दिल्ली रीजेंसी पार्क 2 से। तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, और जो लोग गूगल में हैं, मैं थोड़े अंतराल के बाद में आ रहा हूँ। बीच में थोड़ी गैप हो गई, कारण कि हॉस्पिटल भी दौड़ना पड़ा और कुछ सामाजिक व्यवस्था भी ऐसी थी कि रेगुलर नहीं दे पाता था, और आज थोड़ा स्वस्थ भी हुआ हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा ये 6-7 दिनों की जो मेडिसिन पड़ी है, लगभग 10 दिन हो गया है, यहाँ 22 तारीख को आए, तो वो इट हैज़ गिवन ए इंस्टेंट रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट भी दिया है। आई एम हैप्पी, आई गॉट क्योर ऑफ लॉट ऑफ माई प्रॉब्लम्स। और मेरी फिरती यात्रा जो है यहाँ से 9 तारीख को है, 10 तारीख को मैं जमशेदपुर में अपने आवास पर पहुँच जाऊँगा। तो आज मैं सोचा कि थोड़ी अपनी मन की बात तथा और राशिफल भी थोड़ा आपसे डिस्कस कर लूँ आज, कारण आकाश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और अभी मलमास समाप्त भी नहीं हुआ है, मलमास समाप्त होने में थोड़ा समय है। मलमास समाप्त होगा आपको 13 तारीख को, 13 जून को मलमास समाप्त होगा। तो शादी ब्याह के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी वो 13 जून के बाद से ही प्रारंभ होगा। लेकिन बरका और कन्या का सिलेक्शन के लिए आपस में बातचीत प्रारंभ भी हो गई होगी, भले कुछ इफेक्टिव चीज़ इसमें नहीं होती है। जब मन में सिर्फ आप बाग दत्ता कर सकते हैं, मन के अंदर में किसी को आप सौंप सकते हैं कि हाँ चलिए आपके यहाँ हमारा संबंध हो सकता है, इतना ही भर कर सकते हैं, और उसमें भी भगवान श्री कृष्ण को साथ रखना पड़ेगा आपको। मलमास है, पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, शुद्ध मास है, और भगवान श्री कृष्ण का मास है। तो आज की तिथि सप्तमी है, सप्तमी तिथि के मालिक सूरज होते हैं, और आज का दिन है 6/6/2018 और तिथि है सप्तमी। इस तिथि के स्वामी सूरज भगवान हैं, तो ये तो ठीक है। और आज का दिन है बुधवार, तो ये भी ठीक है। पंचांग के ये दो अंग ठीक हुए, बार और तिथि। नक्षत्र आज का ये सतभिषा नक्षत्र है, ये राहु का नक्षत्र है। नक्षत्र को बहुत बढ़िया नहीं माना जा सकता है, लेकिन दिस इज़ अ गुड स्टार फॉर ऑल दोज डॉक्टर्स इन दिस वर्ल्ड, उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। इट इज़ अ डॉक्टर्स डे, सतभिषा नक्षत्र है। और योग है विषकुंभ, ये सही नहीं है, ये गड़बड़ है। तिथि ठीक है, वार ठीक है, नक्षत्र कुछ लोगों के लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये योग जो विषकुंभ है ये यमराज का होता है, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो और चंद्रमा आज कुंभ राशि में है, शनि के हैं, ये भी ठीक नहीं है। कुंभ का चंद्रमा मलिन होता है, उसमें काली माँ अधिक हो जाती है, तो ये भी बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। तो स्थिति यूँ बन रही है कि जो लोग अपनी राशिफल देखना चाह रहे हैं, मैं उनके बारे में तो बोल ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि नक्षत्र सिद्धांत से तो मैं बराबर बोलता आ रहा हूँ, आप समझ लीजिए, क्योंकि आज राहु का दिन है, राहु का नक्षत्र है, इसलिए इसके पहले के जो तीसरा नक्षत्र हुआ श्रवणा, ये विपत्ति देगा। चंद्रमा के 3 नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा,
ये झंझट देंगे, झगड़ा देंगे, डिस्टरबेंस देंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देंगे, और जो अंतिम उसके पहले के जो नक्षत्र होंगे ज्येष्ठा बुध के नक्षत्र, ये थोड़ा ज़्यादा कष्टकर होंगे। तो जैसा हमने बताया है, आप सर्किल ड्रॉ करके लिख लीजिए, ऊपर में शतभिषा, राउंड में शतभिषा के बाद लिखिए, शतभिषा के स्वामी राहु होते हैं तो उसके बाद लिखिए गुरु, गुरु के बाद लिखिए शनि, शनि के बाद लिखिए बुध, बुध के बाद लिखिए केतु, केतु के बाद लिखिए शुक्र, उसके बाद लिखिए सूरज, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल। ये नौ नौ हिसाब बन गए। तो उसी तरह से आप देख लीजिए, जो लोग श्रवणा के तीन नक्षत्र में जन्म हुआ है, चंद्रमा के तीन नक्षत्र होते हैं श्रवणा शतभिषा, सॉरी श्रवणा हस्त और रोहिणी, आपके लिए आज का दिन बहुत ठीक नहीं है। कारण कि योग भी ठीक नहीं है विषकुंभ, और नक्षत्र भी ठीक नहीं है, सिर्फ तिथि बढ़िया है, तो आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। बहुत बढ़िया दिन नहीं है, 50-50। और जिन लोगों का सूरज के तीन नक्षत्र में यदि जिनका जन्म है, उनके लिए भी आज दिन ठीक नहीं है। सूरज के तीन नक्षत्र हुए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा। आज आपके दिन ऐसे हैं कि छोटी मोटी बात लेकर के भी आप उलझ जाएंगे। सो प्लीज डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ सो दैट यू आर क्वारलिंग विथ योर बॉस एंड योर एल्डर्स गार्जियंस। और यदि आपके कहीं फियांसेस हैं जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है, तो बेहतर होता है आज कोई बात ना करें। आप बात करने का लोभ आप संवरण कर लीजिए आज, नहीं तो आपके बातचीत से कहीं ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपका जो प्रोग्राम है, जो भविष्य का प्रोग्राम है, वो टुकड़ा हो जाए। और ज्येष्ठा नक्षत्र में जिनका जन्म है, बुध के तीन नक्षत्र हुए आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनमें जिनका जन्म है, उनके लिए समय आज बहुत बढ़िया नहीं है, बद्ध तारा में पड़ता है। सो प्रैक्टिकली यू डोंट डू एनीथिंग। जिनका जन्म बुध के तीन नक्षत्र में है, आपके लिए अच्छा दिन नहीं है। बाकी सारे लोगों के लिए दिन ठीक ठाक है, नक्षत्र वाइज बोल रहा हूँ। आई एम नॉट टेलिंग कि दिन पूरा ठीक है, दिन पूरा ठीक नहीं है। तो राशि के हिसाब से स्थिति ऐसी बनती है कि सूरज आज दो नंबर में है, तो आप स्क्वायर बना लीजिए, कुंडली बनाइए, उस पर दो लिख लीजिए और उसी में लिखिए सूरज और बुध। तीन नंबर उसमें शुक्र लिख लीजिए, चार नंबर में राहु लिख लीजिए, पांच नंबर खाली है, छह नंबर खाली है, सात नंबर में गुरु बकरी हैं, रेट्रोगेट हैं, आठ नंबर खाली हैं, नौ नंबर में शनि बकरी हैं, दस नंबर में मंगल है और केतु है, जिसमें केतु बकरी हैं, मंगल सीधे चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे चल रहे हैं, शनि हिचरती वे भी धीरे धीरे चल रहे हैं। ग्यारह नंबर में चंद्रमा है, ये चंद्रमा मलिन है, इसलिए कि कुंभ राशि का चंद्रमा थोड़ा ज़्यादा ही काला हो जाता है। शनि को काला बोलते हैं, तो 75% कालापन जो है वो कुंभ राशि में आता है, तो चंद्रमा आज उसी में है। तो आप जो बच्चे जन्म ले रहे होंगे, उनके माता पिता ध्यान रखिए उनके स्वास्थ्य पर, बच्चे के स्वास्थ्य पर। इन्फेक्शन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, खास करके यदि आपके बच्चे का जन्म वृषभ लग्न में हो रहा है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। धनु में हो रहा है तब भी ध्यान देना है, तुला राशि में हो रहा है तब भी ध्यान देना है, और कुंभ राशि में हो रहा है तब भी बहुत बढ़िया समय नहीं है। तो टेक केयर ऑफ योर बेबीज हेल्थ। जितने बच्चे आज जन्म ले रहे होंगे, योर पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड
उनके पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा विशेष ध्यान दें बच्चे के ऊपर में, नहीं तो थोड़े दिन के लिए थोड़ी समस्या आ जाएगी बच्चे के अपकीपिंग में और उनके स्वास्थ्य में। तो मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा आज एकादश भाव में है, चंद्रमा 11 नंबर में है, तो मेष राशि वालों के लिए तो चंद्रमा शुभ है और सेकंड हाउस में सूरज बुध है, तो बोली को यदि मीठा रखते हैं तो ये दूसरे भाव का सूरज और बुध भी आपके लिए शुभ है। तीसरे का शुक्र है, ये बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है थर्ड हाउस में, लेकिन बुरा भी नहीं माना जाता है, तो आपके मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा के लिए भी ये समय आज ठीक है। चौथे घर में राहु है, ये तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, मैंने कहा है कि नाइदर गुड नॉर बैड, लेकिन गुड की ओर अधिक है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, यदि आप बिजनेस में हैं, नौकरी में हैं या कहीं भी हैं, छोटा या बड़ा, या एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सामाजिक प्रतिष्ठान में आप नेता हैं, कोई न कोई आदमी आपके पर कुतरने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, धोखा दे रहा है। कितना भी विश्वास पात्र व्यक्ति है, यदि वो विजातीय है, आपके धर्म परंपरा से अलग है, और यदि उनका रंग श्याम वर्ण का है, तो वो आपको नुकसान कर रहे हैं। भले वो कहें कि तू तो मेरा भाई है और मैं ही आपका सब हूँ, और नहीं, उसके जो काम हो रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ज्ञात और अज्ञात ढंग से भी, वो आपके फेवर में नहीं जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है आपको। तो मेष राशि वाले थोड़ा ध्यान देंगे। सेवंथ हाउस में गुरु बकरी हैं, आपको अपनी ओर से चेष्टा करनी होगी दाम्पत्य सुख मीठा रहें। और नवम भाव में शनि बकरी हैं, भाग्य के लिए ये ठीक नहीं है, शनि का होना भी ठीक नहीं है और बकरी होना तो और भी ठीक नहीं है। तो जो लोग नौकरी कर रहे होंगे, ताव में आकर के, एक्साइटमेंट में आकर के आप रिजाइन मत कीजिएगा प्लीज़। बढ़िया होता मुंह दबा करके, शांत होकर के, क्रोध शांत करके आज दिन बिताएं मेष राशि वाले। टेंथ हाउस का मंगल केतु लेकिन बहुत बढ़िया है, यदि आप बिल्कुल सही ढंग से, उत्तम ढंग से काम कर रहे हैं, तो यस, आपके लिए आज का भी दिन सक्सेसफुल डे है, सो फार आपके कर्म क्षेत्र की बात है। तो मेष राशि वालों के लिए समय लगभग 70 से 75 पैसा अनुकूल है। वृषभ राशि वालों के लिए समय ठीक नहीं है, कारण कि छठे घर में गुरु बकरी हैं और नवम भाव में शनि बकरी हैं, तो राशि फल है, लेकिन इसी बीच में लगे हाथ आपको बता दूं कि दो नंबर भारतवर्ष का लगन है, और छठे और सातवें में कोई ग्रह बकरी है, और दो नंबर में सूरज भी है जिसको पृथ्वी भी बोलते हैं, मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ, कहीं भयंकर भूकंप आ सकता है, युद्ध की स्थिति बन सकती है, आपत्ति विपत्ति की हो सकती है, प्राकृतिक आपदाओं की बात हो सकती है, अग्निलीला या संविधान को उठा पटक, तोड़ फोड़, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आप देख रहे हैं, अभी घट भी रहा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, शिक्षा संस्थान हो, ऐसी बातें हो रही, और सभी जगह जो भी होता है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट इज टू बर्न, क्योंकि मंगल उठ के हैं और केतु के साथ में है, इसलिए हर चीज़ में आग लगाने की प्रवृत्ति है, गोली चलाने की प्रवृत्ति है, मरने मारने की प्रवृत्ति है, ये स्थिति बनी हुई है, इसके कारण थोड़ी सी स्थिति नाजुक बनी हुई है। तो वृषभ राशि वाले बहुत सावधान रहेंगे, कोई व्यर्थ की जर्नी ना करें, लंबी यात्रा ना करें, इतना ध्यान रखें कि आपके साथ आप बिल्कुल सुरक्षित हो, ये जरूर ध्यान रखें वृषभ राशि वाले, और ऑफिस में एकदम शांत शिष्ट होकर के काम करें, कोई भी चीज़ को प्रेस्टिज इशू ना बनाएं, तब तो किसी तरह से दिन ठीक चला जाएगा, कारण कि दिखता है कि आप मीठा तो बोल लेंगे, शुक्र सेकंड हाउस में है और अष्टम घर में शनि है, ये शनि जॉब का कारक होता है, तो उल्टा पुल्टा करेंगे तो आपके बॉस नाराज हो जाएंगे और आपके लिए कठिन समय आ जाएगा। तो वृषभ राशि वाले शरीर की रक्षा करें, जॉब की रक्षा करें, अपनी सामाजिक मर्यादा की रक्षा करें और सावधान रहें, न तो आप पूर्व दिशा की लंबी यात्रा कर सकते हो और न तो आप पश्चिम दिशा की लंबी यात्रा कर रहे हो।
जो लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट कैंसिल योर टिकट एंड गो बाई ट्रेन। ये मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ, इसको आप अपनी मर्जी के हिसाब से लीजिए, मैं तो सिर्फ सावधान करने के लिए बात कर रहा हूँ। आई डोंट मीन कि एक्चुअली आप अपने हिसाब अपनी यात्रा और जर्नी प्रोग्राम को बंद कीजिए, लेकिन सावधानी बहुत अपेक्षित है। तो वृषभ राशि वालों के लिए समय मुश्किल से 50-50 50% अच्छा है और 50% अच्छा नहीं है। मिथुन राशि में शुक्र है, थोड़ा सा मीठापन तो है ही गया, लेकिन आपके स्वामी, इस ग्रह के स्वामी, मिथुन के स्वामी बुध जो हैं वो 12th हाउस में चले गए हैं सूरत के साथ, तो ये दिखता है कि थोड़ी सी हार्ड वर्क, परिश्रम अच्छी न्यूज़ नहीं, कुछ समस्या हैं आपके मन में, वो कुछ बातें दिखती हैं। और सेकंड हाउस का राहु है, ये भी दिखता है कि आपके बोली में डिसिप्लिन नहीं रहेगा, आप बेछूट बात करेंगे जो झगड़े का एक रास्ता अख्तियार कर लेगा, चाहे वो अपने मित्र से करें, पड़ोसी से करें, अपने बॉस से करें, ऑफिस में अपने कलीग से करें, समस्या आ जाएंगी आपकी बोली से। तो बोली को मीठा रखिए, नहीं बोलिए, एक दिन छुट्टी ले लीजिए। यदि आप अपना आपा खो देते हैं तो बेहतर हो एक दिन छुट्टी ले लीजिए। और 1, 2, 3, 4, 5वें में गुरु बकरी हैं, बाल बच्चों के साथ मीठा व्यवहार कीजिए। 7वें में शनि उल्टे पुलटे चल रहे हैं, बकरी हैं, दाम्पत्य सुख में आपको भी बहुत मिठास डालना होगा, तभी आनंद आएगा। 8वें में मंगल केतु हैं, इंजुरी से बचिए, चोट से बचिए, पानी से बचिए, नहाने से बचिए, गंगा नदी में तैरने से बचिए, समुद्र में जाने से बचिए। वाटर वाटर एंड वाटर इज अ डेंजरस आइटम फॉर मिथुन राशि एंड टू सम एक्सटेंट 20 पैसा मिथुन लगना, टेक केयर। और नवम भाव में चंद्रमा है, नवम के चंद्रमा लगभग सामान्य होते हैं, ना अच्छे ना बुरे, सो शांत रहिए आप, समय आपका भी मुश्किल से 65 पैसा अनुकूल है, इससे ज़्यादा नहीं है, टेक केयर, सावधान। कर्क राशि का राहु है, मैं बराबर बोल चुका हूँ, न तो ये आपकी मर्यादा को लुटा नहीं रहे हैं, आपको डुबा नहीं रहे हैं, आप परेशान में रहेंगे, आप मानसिक रूप से चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी, ये तो सत्य है, शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकेंगे, मैं कारण बहुत बार बोल चुका हूँ। 4वें घर में गुरु बकरी हैं, तो हो सकता है कि आपके घर के अंदर की अपनी शांति थोड़ी गड़बड़ा सकती है, तो आप कंट्रीब्यूट ना कीजिए। अगला जिस उल्टा पुल्टा करता है, आपके हस्बैंड या बाल बच्चे या आपके दोस्त या आपके पार्टनर या आपके कलीग्स, तो आप थोड़ा शांत रहिए, अपनी मर्यादा को बरकरार रखिए, जरूरत हो तो खून का घूंट भी पी जाइए। कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और 7वें हाउस में मंगल केतु हैं, मिठास बनाना पड़ेगा दाम्पत्य सुख के लिए आपको। 6वें घर में शनि बकरी हैं, कर्क राशि वालों के लिए आपके शत्रु परास्त हो गए, हार मान गए, भाग गए मैदान छोड़ करके, ये जान लीजिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपका एक भी शत्रु आपके सामने खड़ा होकर के जीत नहीं सकता है। और 8वें का चंद्रमा है, चंद्राष्टम लगा हुआ है, हो सकता है आप मन में दुखी हो, मानसिक अवसाद हो, चिंता हो, भय हो, इस तरह की बातें हो सकती है, लेकिन 8, 9, 10, 11 में सूरज बुध है, तो सही में वो चिंता और परेशानी और अवसाद कुछ है नहीं। जो मैं बराबर एग्जांपल देता हूँ, आज भी यही बोल रहा हूँ, जिसको आप सांप समझ रहे हो, वो सांप तो है नहीं, नहीं है तो नहीं है, वो रस्सी है। तो जो आपकी समस्या है वो झूठी है, जो आप प्रॉब्लम बना रहे हो जिस बात को, उसका कोई आधार ही नहीं है, आप 0 के ऊपर में 100 बना रहे हो। सो आप अपने मन को नियंत्रित करें कर्क राशि वाले, तो आपका समय आज 70-75 पैसा तक अनुकूल जा सकता है। सिंह राशि का सूरज 10वें हाउस में है, वृषभ में और बुध के साथ है, तो सिंह राशि वाले भगवान शंकर का ध्यान कीजिए, आपका सक्सेस बहुत दूर तक जा सकता है। 7वें हाउस में चंद्रमा है, ये भी आपको रोशनी दे रहे हैं। 3rd हाउस के गुरु हैं, आपकी पर्सनैलिटी राइज कर रही है। 5वें हाउस का शनि बकरी है, बाल बच्चों से मीठा व्यवहार कर लीजिए आप। 6वें घर में मंगल केतु हैं, आपके भी शत्रु सामने खड़े नहीं हो सकते, कोई नहीं जीतेगा आपसे, आप शत्रु जीतो।
और 10th हाउस में सूरज बुध है, सक्सेस रेट बहुत हाई है। शुक्र हैं मिथुन राशि के, तो सिंह राशि वाले लोगों के लिए कुछ पैसे लौट सकते हैं। आप थोड़ा चेजिंग कर लो, जहाँ पैसे डूबे हैं मिल जाएंगे आपको। नहीं मिलेंगे तो कम से कम रास्ता तैयार हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा आपका। और सिंह राशि वालों के लिए मंगल श्रेष्ठ ग्रह होता है, इसलिए भूमि भवन जमीन जायदाद मकान माइंस मिनरल्स, ये जो भी आप कर रहे होंगे, जमीन से जुड़ा हुआ कुछ भी काम कर रहे होंगे, उसमें सफलता मिलेगी। चाहे वो होटल ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका आयरन ओर का माइंस ही क्यों ना हो, बिल्कुल सफलता है आपके। तो सिंह राशि वाले लोग अपने टारगेट को तय करें और समय आपका ठीक है, उपयोग में ले आइए। समय लगभग आपका 85 से 80 पैसा अनुकूल है। कन्या राशि बुध को बोलते हैं, ये अपने से नवम भाव में आ गया, भाग्य के घर में आ गया सूरज के साथ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प मिल सकता है, सरकारी मदद मिल सकती है। कोई भी कोर्ट केस में यदि आपकी समस्याएं कुछ चल रहे हैं या डेट पड़ा हुआ है, तो ये आपके फेवर में जाएगा। कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। सेकेंड हाउस में गुरु बकरी हैं, मीठा बोलिए। चौथे घर में शनि वक्री हैं, माता पिता गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखिए। छठे घर में चंद्रमा है, शत्रु शांत हो रहे हैं लेकिन मन अशांत हो रहा है आपका। शत्रु शांत हो रहे हैं लेकिन आपका मन अशांत हो रहा है, इसलिए चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी माता जी भी आज उद्विग्न है आपके क्रियाकलापों के कारण, तो थोड़ा शिष्टाचार मेंटेन कीजिए, माता पिता को रेस्पेक्ट दीजिए आप। मैं कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और ये संभव है कि जो लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपको बेनिफिट तो जरूर हो सकता है, लेकिन आपका सेकंड हाउस बकरी है, 4th हाउस में शनि बकरी हैं, 5th हाउस में केतु बकरी चल रहे हैं, और आपके 10th हाउस में राहु बकरी चल रहे हैं, तो थोड़ी सी शारीरिक कष्ट की बात दिखती है कन्या राशि वालों के लिए। बस इतना है, आप ध्यान रखिए। वैसे कन्या राशि वालों के लिए यदि आप इंटेलेक्चुअल हैं, सामाजिक रुतबा है, तो समय पॉजिटिव है, अराउंड 65%। हेल्थ को यदि कंसीडर करेंगे तो समय ठीक नहीं है। टेक केयर, स्वास्थ्य की रक्षा करें आप। आपका समय सब मिला जुला करके 60 पैसा 65 पैसा है, इससे ऊपर अच्छा नहीं है। तुला राशि में गुरु बकरी है, गुरु बकरी है तो गुरु शुभ ग्रह है और बलि भी हो गए हैं, आपके मान मर्यादा की बात तो बनती है, लेकिन बकरी है, आप ज्ञान को उल्टा उपयोग करेंगे, आपके ज्ञान का उपयोग उल्टा करेंगे। गुरु माने ज्ञान, महती ज्ञान, धर्म का उल्टा उपयोग करेंगे, रिलीजन को भी बोलते हैं। तो किसी से झगड़िए मत, कोई भी तर्क ना करें, भगवान से संबंधित कोई भी तर्क करें तो बोलिए सीधा कि आई बिलीव द गॉड हुम आई वर्शिप, द गॉड हुम आई बिलीव। इसके बाद कोई बात मत कीजिए, आप अपने भगवान को याद कीजिए। मैं ना आपको बुरा कर रहा हूँ, ना आप मुझे बुरा कहें, शांत रहिए आप, मैं भी शांत हूँ। सो नो रिलीजियस डिस्कशन जहाँ पर थोड़ा भी डिसएग्रीमेंट की बात होती हो। मैं तुला राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। 3rd हाउस का शनि बलि है, शुभ है, भगवान राम की बात है, तो दबंगे ही ना करेंगे तो आपका दिन तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। चौथे घर में मंगल केतु है, घर के अंदर थोड़ी अशांति संभव है, अग्नि संबंध है, धन है, जिनके घर में बंटवारा हो रहा होगा, घर का बंटवारा, जमीन जायदाद का बंटवारा, वहाँ पर थोड़ा अग्नि जाता है, झंझट जाता है, झगड़ा जाता है, अशांति झगड़ा है बहुत ज़्यादा, तो आपको शांति पूर्वक व्यवहार करनी है, कारण कि केतु भी उसमें उल्टे चल रहे हैं। मंगल आगे चल रहे हैं लेकिन केतु सेम टाइम वहाँ उल्टे चल रहे हैं, सो काफ़ी रगड़ा है, काफ़ी अशांत रहेंगे आप तुला राशि वाले लोग। और 7, 8, 8 अष्टम में सूरज और बुध हैं, तो वृषभ राशि है यहाँ पर, तो भगवान शंकर को ध्यान करते हुए आप सारा काम करें आज। प्रविशि नगर की जय, सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कैलाश के राजा। तो भगवान शंकर को ध्यान करके, माता पार्वती को ध्यान करके आज सारा काम शुरू करें, विजय आपकी होगी। तुला राशि की बात बोल रहा हूँ। और यहाँ से शुक्र आपके 7, 8 नवम भाव में है,
तुला राशि के लिए शुक्र शुभ हो गए आपके, दसम में राहु है तो ये 7, 8, 9, 10 में राहु है तो राहु अप्रत्यक्ष रूप से रगड़ने के बाद कुछ लाभ दे रहे हैं आपको, विजातियों से लाभ दे रहे हैं, दूसरे लोगों से लाभ दे रहे हैं आपको। तो तुला राशि वालों के लिए भी समय 65 पैसा तक अनुकूल है। वृश्चिक राशि, आपका मंगल उच्च का है केतु के साथ, स्थिति तो बहुत अच्छी है। शनि आपका सेकंड हाउस में बोली के घर में रेट्रोगेट है, बोली आप मर्यादित रखिए, बहुत मर्यादा के साथ बात कीजिए, कम बात कीजिए और अगले को रेस्पेक्ट देके बात कीजिए। इसलिए कि गुरु है इसलिए मैंने रेस्पेक्ट और श्रद्धा की बात कही, और शनि है बकरी है तो थोड़े शब्द को मिठास देना जरूरी है। चौथे घर का चंद्रमा है, सुख दे रहे हैं आपको चंद्रमा। चंद्रमा आपके लिए 9th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य के लॉर्ड हैं आपके, तो चंद्रमा आपको सुख दे रहे हैं ये तय है। और ये 11 नंबर में है तो हनुमान जी की पूजा कर लें। अब चूंकि आप शंकर भगवान को पूज रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा या सिर्फ सर झुका दीजिए, प्रणाम कर लीजिए, हंग पवन नंदनाय स्वाहा, मेरे जो बताया हो इस मंत्र का जप कर लीजिए 11 बार, फिर प्रवेश कीजिए, सारा काम आपका सफल होगा। विसी नगर की जय, सबका जय, हृदय राखी कौशलपुर राजा, यहाँ भगवान राम है आपके लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, अष्टम में शुक्र शुभ होते हैं, नवम का राहु भाग्योदय की बात दे रहे हैं विचित्र ढंग से, और 10th का सूरज बहुत बढ़िया है आपके 7th हाउस में आकर के, सूरज और बुध मर्यादा स्टेटस मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा की वृद्धि की बात है। द्वादश भाव में गुरु हैं, ये थोड़ा भाग दौड़ की परेशानी दिखती है आज के दिन, तो ईश्वर के साथ शुरू कीजिए, ईश्वर के साथ दिन को समाप्त कीजिए। वृश्चिक राशि वाले, जैसा मैं बता चुका हूँ, भगवान शंकर और भगवान हनुमान जी को साथ में रख करके आप दिन शुरू कीजिए, दिन बिल्कुल सही जाएगा, 70 से 75 पैसा अनुकूल है। धनु राशि, बकरी शनि भगवान राम आपके साथ खड़े हैं, साथ खड़े हैं तो, और धन मिलना है, जमीन जायदाद भूमि भवन जितनी चीज़ों जो रियल इस्टेट बोलते हैं इससे आपको लाभ होगा, और आपको सिर्फ बोली मीठी रखनी है, धन मिलना है शर्त दी है भगवान ने, आपकी बोली मीठी होनी है, यदि बोली मीठी नहीं है तो लंका कांड होना है। धनु राशि के लिए बोल रहा हूँ, 3rd हाउस का चंद्रमा है, ये भी मर्यादा दे रहा है। 3rd हाउस में ये चंद्रमा पाप ग्रह के समान शनि के घर में हो गए इसलिए मर्यादा दे रहे हैं। देखिए राशि में भी मैं बहुत सारे नियम को स्पष्ट करके बोलता हूँ, सो दैट अब झट से कहीं कागज में लिख लीजिए कि यदि चंद्रमा 3rd हाउस में हो और कुंभ राशि में हो और शनि बकरी हो तो ये शुभ रिजल्ट देंगे, शनि शुभ रिजल्ट देंगे, चंद्रमा भी शुभ रिजल्ट देंगे, और 6th घर में सूरज बुध हैं तो आपकी समस्याएं शांत हो रही हैं, विजय की बात है। यू आर द विनर इन एनी कोर्ट केस, एनी झंझट, एनी वार्तालाप, कुछ तरह की भी बात है तो आपके लिए भगवान राम खुद खड़े हैं। मैं बराबर एक ही शब्द बोल रहा हूँ, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। धनु राशि, अजान बाहु भगवान श्री राम धनुषधारी आपके भगवान हैं, आपके साथ खड़े हैं, भगवान का धनुष तना हुआ है आपके शत्रु को मारने के लिए, आप विजयी हो गए ये सत्य है, ध्यान करके तो देख लो, मेरी बात परख लो। आपका भी समय 70 प्रतिशत 75 प्रतिशत निश्चित रूप से अनुकूल है। मकर राशि, मंगल और केतु है, शरीर को थोड़ा सुरक्षित रखिए, क्रोध को शांत कीजिए, अग्नि ज्वाला को शांत कीजिए, पैर को रक्षा में डालिए, टेक केयर ऑफ योर लेग्स, कोई भी तेजी से ना चले। मेरे उम्र के जितने लोग हैं आपके लिए मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप अपने पैर को सुरक्षित रखिए, उसमें गड़बड़ी हो सकती है और स्नायु रोग संभव है,
सेकंड हाउस का चंद्रमा भी लगभग सही है आपका, मीठा बोल लीजिए। 1, 2, 3, 4 पंचम घर में सूरज बुध हैं, बच्चों के लिए भी अच्छी खबर दिखती है। छठे घर में शुक्र है, ये भी ठीक है, शुभ है। 7वें का राहु है, प्लीज़ थोड़ा मिठास डालिए अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो आपके रूम पार्टनर हो, चाहे वर्किंग पार्टनर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप रोज़ एक साथ एक ही सीट पर एक ही जगह में यात्रा करते हो, कैसे भी हो, पार्टनर पत्नी के साथ भी हो, तब भी थोड़ा आपको मिठास डालनी होगी उनके साथ, तो समय ठीक जाएगा। 8वें का सूरज है, ये आपके लिए 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में आ गया। 8वें का सूरज पंचम भाव में आ गया तो मकर राशि वालों को अपने बच्चों से नहीं लगना है, झंझट नहीं करना है, डिफरेंस ओपिनियन नहीं क्रिएट करना है। यस यस यस, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा करके बात आगे बढ़ा दीजिए, डांट फटकार मत कीजिए। सिंह मैं मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। और आपके 11th हाउस में यहाँ से 7, 8, 9, 10 दसम भाव में गुरु बकरी हैं, तो जो लोग ऑफिस में काम कर रहे होंगे, कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, सावधानी से ध्यान रखिए, आज पुटअप मत कीजिए, चंद्रमा को 12 में जाने दीजिए। नेक्स्ट लेट द मून गो इन टू मीन राशि, तभी आप अपनी रिजल्ट्स को दिखाइएगा, थोड़ी गड़बड़ होने की बात दिखती है। तो मकर राशि वालों के लिए भी समय थोड़ा बहुत अनुकूल नहीं दिखता है, यात्रा में थोड़ा कम जाइए, कारण कि शनि आकाश को बोलते हैं और शनि उसमें वक्री हैं। अभी देखा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया आर्मी का एक, तो ये वायु तत्व जो है, ये वायु तत्व में विकृति आई हुई है, आंधी तूफान बरसात संभव है, लेकिन ये मॉनसून नहीं है, मॉनसून नहीं है, मॉनसून नहीं है। मैं किसान के लिए बोल रहा हूँ, शहरवासियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसान के लिए बोल रहा हूँ। अब धोखे में मत आ जाइए, ये मॉनसून नहीं है, ये बरसात क्षणिक है। तो जो लोग खेती कर रहे होंगे वो अपने बिचड़े वगैरह को डालने के लिए थोड़ी सावधानी का उपयोग करें, अपने अनुभव का उपयोग कीजिए आप, और नहीं तो जल जमाव करके रखिए, ताकि जहाँ पर आप बिचड़े लगाएंगे वहाँ पर आप सूखे समय में बरसा ना भी हो तो उसको सिंचाई प्रदान कर सकें आप। तो मकर राशि वालों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। कुंभ राशि, आज चंद्रमा कुंभ राशि में ही है और शनि की पूरी दृष्टि है, तो कुंभ राशि वाले के लिए आज का दिन बढ़िया इसलिए है कि आपके मान मर्यादा रुतवा प्रतिष्ठा ऊपर उठ सकती है, बिल्कुल उठ सकती है, अपॉर्चुनिटी इज देयर, लेकिन मन में थोड़ी सी दुख भी व्याप्त होगी, इसलिए कि शनि की तीसरी दृष्टि जब पड़ेगी और उसी में चंद्रमा भी है, तो थोड़े मन में टीस उठ सकती है, किसी चीज़ की पीड़ा व्याप्त हो सकती है, लेकिन पश्चिम दिशा से लाभ होगा, लाभ होगा, लाभ होगा, ये सत्य है। मैं एक जुमला बोलता हूँ बराबर ना, जितनी दूर दौड़ सको पश्चिम, सारी जमीन आपकी, वही जुमला आज सही है। किनके लिए? कुंभ राशि वालों के लिए। और 4th हाउस में सूरज बुध है, मान मर्यादा रुतवा ठीक है, पिताजी के प्रति ध्यान रखिए, पंचम भाव में शुक्र है, बच्चों के प्रति मिठास रखिए। 6ठे घर का राहु आपको बिल्कुल सफलता प्रदान कर रहे हैं, शत्रु आप पर आघात नहीं कर पाएंगे। 7th हाउस का सूरज बुध के साथ 4th हाउस सुख घर में है, दाम्पत्य जीवन मीठा है, और 7, 8, 9 भाव में गुरु बकरी हैं, अपने भाग्य के लिए कुछ भी ऐसा आ बैल मुझे मार ना होने दे कि कहीं आपके बॉस नाराज हो जाए या आपका कोई कंप्लेन कहीं चला जाए, ये ना हो, चाहे वो आप नौकरी कर रहे हो चाहे आप नहीं हो, बिजनेसमैन है तो कोई आदमी आपके ईडी को या इनकम टैक्स वाले को या कहीं कोई कंप्लेन ना कर दे। जनरली ईर्ष्यावश कंप्लेन करते हैं बिजनेसमैन एक दूसरे के प्रति, ऐसी ईर्ष्या के कारण तो चलो यही मौका आया उसको गिरा दो, बदबुद्धि है, आपको भी तो उसकी सजा मिलेगी, ऐसा ना करेंगे। लेकिन जो लोग हैं कुंभ राशि वाले, मैं आपको ये आगाह कर रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ भी ना करें कि आपके शत्रु, आपके पड़ोसी, आपके मित्र आपके खिलाफ हो जाएं और आपकी परिचर्चा या दुष्चर्चा किसी से करें, ये सही नहीं होगा आपके लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए इसमें भी 75 से 80 पैसा तक अच्छा है, इससे ऊपर नहीं, 20 पैसा खराब है, खराब है तो खराब है। मीन राशि,
मीन राशि के गुरु अष्टम में बकरी हो गए, समय ठीक नहीं है। डोंट टेक रॉन्ग डिसीजन, ज्ञान गलत उपयोग ना करें। गुरु ज्ञान को बोलते हैं और आप ज्ञानी पुरुष हो, लेकिन आप रॉन्ग डिसीजन लोगे इसकी संभावना 90% है। प्लीज़ ये ध्यान रखिए। सो यदि आप कहीं चौराहे पर खड़े हो तो आप ऐसा करो कि किसी अच्छे व्यक्ति से, परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे भी ज़्यादा जानकारी रखते हैं या अनुभव सिद्ध व्यक्ति हैं, तो उनकी सहायता लीजिए। आप उनसे पूछिए निर्णय लेने में। एक तीसरे में सूरज बुद्ध है, आपकी मर्यादा जरूर बढ़ सकती है यदि आप सच्चे ढंग से काम करते हो। चौथे का शुक्र है, ये मीठा है, धन भी आ सकते हैं। पांचवें का राहु है, बाल बच्चों से थोड़ा सा चिंता उत्पन्न हो सकता है, कारण कि वो बच्चे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ के खिलौना हो जाएंगे जो आपका शत्रु है, ये ऐसी बात दिखती है। और सात आठ आठ नौ दस में शनि भी हैं, तो जो लोग नौकरी पेशा में हैं वो तो सावधान हो जाइए, और जो लोग सामाजिक संस्था में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आपको निर्णय लेने की, पहले भी बोल चुका हूँ, आप निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग एकाकी मत कीजिए, अकेले मत कीजिए। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो मिलजुल करके, सबों के साथ मिलजुल करके निर्णय लीजिए, नहीं तो गलत होने की संभावना है। सात आठ नौ दस ग्यारह में मंगल केतु है, ये लाभ दे रहा है, यही ग्रह आपको अकेला लाभ दे रहा है। मंगल केतु मीन राशि वालों के लिए सक्सेस 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 एंड फाइनेंस एवरीथिंग। तो जो जहाँ है जिस रूप में है, मंगल आपको लाभ दे रहा है। मंगल बोलते हैं रियल इस्टेट को, भूमि को, अग्नि को, पटाखे को, होटल व्यवसाय करने वाले जितने लोग हैं, जो लोग आग डील करते हैं, केमिकल्स डील करते हैं, वो सारे लोगों के लिए दिन अच्छा है। ये तो हो गई राशियों की बात। भारतवर्ष के लिए, चूँकि मैं बोल चुका हूँ, भारतवर्ष के लिए छठे आठवें में बकरी गुरु हैं, ये अच्छी बात नहीं मानी गई है। तो हो सकता है भारतवर्ष के लिए कुछ अप्रत्यक्ष रूप से, प्रचंड रूप से कुछ उल्टे सीधे बातें हो रही हैं। सबसे बड़ी भूमिका है जो लोग हमारी खुफिया तंत्र हैं, सूचना तंत्र एकत्र करते हैं, आपकी परीक्षा हो रही है। आप सही सही जानकारी अपने आका को पहुंचाइए ताकि देश सुरक्षित रहे, ये बहुत आवश्यक है। ये है। उसके बाद नाइन्थ हाउस में मंगल केतु हैं। देखिए, दस नंबर चाइना का भी है, भारतवर्ष का भी है, बराह मेहर के हिसाब से, और चाइना के स्वतंत्रता के हिसाब से 1949 के हिसाब से। और एक नंबर मंगल पाकिस्तान का है, एक नंबर चाइना अमेरिका का भी है। तो कहीं न कहीं एक खिचड़ी पक रही है जिसमें भारत भी इन्वॉल्व हो जा सकता है, इसी बात दिखती है। अब मैं तो ना तो पॉलिटिशियन हूँ, ना रक्षा विशेषज्ञ हूँ, मैं तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बातें जस की तस रख दी। ये ध्यान रखें, भारतवर्ष के जो हमारे रहनुमा हैं, जिन जो हम पर हुकूमत करते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो देश चलाते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए हमने कहा। और खास बात है कि भारतवर्ष जब स्वतंत्र हुआ तब भी लग्न में राहु था, भारतवर्ष का जब संविधान बना तब भी लग्न में राहु था, 12 नंबर में राहु, और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 2 नंबर में राहु, और जिस दिन 26 जनवरी को भारत का संविधान बना 10:18 में तब भी लग्न में राहु था मीन का, और आज भी राहु थर्ड हाउस में है। तो ये थर्ड हाउस का राहु ठीक है, लेकिन ये भारतवर्ष की राशि जो है वो कर्क है। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनुसार यूं तो भारतवर्ष की राशि बराह मेर के हिसाब से 10 नंबर का है, तो 10 नंबर का हो या 4 नंबर का हो, हर हालत में राहु शुभ है, हर हालत में मंगल और केतु शुभ है। तो यदि हमारे रक्षा विशेषज्ञ और हमारे शासनकर्ता लोग और सूचना तंत्र, खुफिया तंत्र यदि जागरूक है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये राशिफल की बात हुई और भारतवर्ष की बात हुई, सबों से बात हुई, लेकिन संभवतः मैं शायद कल परसों 3 दिन नहीं भी बोलूं, हो सकता है यदि फुर्सत मिल गया तो मैं बोल दूंगा।
कुछ बात करूंगा आपसे, बात करने की भी इच्छा होती है। तो अभी शादी ब्याह की भी चर्चा हो रही होगी, तो देखिए ये एक 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 डेट लिखा रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि 4 जुलाई को शुक्र राहु के साथ आ जाएंगे या आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इस बीच में कोई निर्णय ना लिखिएगा, जब भी शुक्र और राहु एक साथ हैं पंचांग में देख लीजिए, तब तक शादी ब्याह के लिए आप जो डिस्कशन करना है कर लीजिए, जो बात करना है कर लीजिए, लेकिन फाइनल निर्णय ना लीजिएगा, रुक जाइए। एक ये बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। और ये मंगल भी बकरी होने जा रहे हैं, केतु बकरी हैं, मंगल भी बकरी होने जा रहे हैं 26 जुलाई को, ऐसा 26 जून को होने जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है, इसमें भी झंझट होने का डर है। तो कोई भी जो शादी ब्याह, जमीन जायदाद, मकान, भूमि, गाड़ी खरीद रहे होंगे, उनके लिए मैं ये चौकन्ना कर रहा हूँ कि जब तक आपके जो ज्योतिष जी महाराज हैं, पंडित जी नहीं, ज्योतिष जी, जब तक आपको अनुमति ना दें आप न तो गाड़ी खरीदें, न शादी ब्याह को पक्का करें, न गृह प्रवेश करें, अनलेस अदरवाइज जो ज्योतिष जी हैं ये जब तक ना बोले तब तक काम न करें। थोड़ी सी डर लग रही है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और 26 जुलाई को फिर बुध भी बकरी हो जा रहे हैं 29 डिग्री में, ये भी ठीक नहीं है। तो ग्रहों का जो चाल चलन है वो बहुत बढ़िया नहीं है। तो जून इज नॉट ए वेरी गुड पीरियड फॉर डूइंग ए वेरी ऑस्पिशियस वर्क। हालांकि 13 जून तक तो बलमासी है और अमावस्या आ जाएगी 13-14 को, 6 दिन इधर और 6 दिन उधर खराब होता है, तो 14-6-20 हो गया। ग्रह बकरी हो रहे हैं, बुध भी 26-27 को बकरी हो रहे हैं, मंगल भी बकरी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कहूँगा जून भर में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लेंगे आप। आज यहीं तक, नमस्कार। और मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग मेरे एब्सेंस के कारण नाराज हो रहे होंगे, नाराज मत होइए, स्वास्थ्य लाभ करने के लिए यहाँ आया था। दूसरी बात ये कि मैं जितना सेवा दे सका उतना मैं दे दिया यहाँ दिल्ली में, लेकिन अब समय नहीं है, कारण कि 1-2 दिन हमको शायद फीडबैक करने के लिए भी जाना पड़ेगा हमको मेदांता में, तो अब सही में समय नहीं है। 9 तारीख को जाना है, 8 तक हमको, 7 तक सारे काम हमको निपटा लेना है, कल 6 है, परसों 7 है, बहुत सारे अपने भी बहुत सारे काम करना है, एक चक्कर और हमको हॉस्पिटल का भी लगाना है। तो जिनको समय नहीं दिया माफ़ी मांग रहा हूँ, आप जमशेदपुर में जैसे हमारे पते पर बात कर लीजिए, आई विल सर्व यू। और जिनकी कुंडली अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है उसके पहले भी माफ़ी मांगा, आज भी माफ़ी मांग रहा हूँ, क्या करूँ, शरीर से लाचार हो गया, अब मेरी नीयत में मेरी किस्मत खराब या भगवान आपको थोड़ी देर के बाद मेरी सेवा देने का अवसर दे रहे हैं। आपको यदि दिक्कत हो रही हो आप कहेंगे तो मैं आपका जो मानदेय है जो आपने भेजा है मैं उसको लौटा सकता हूँ। नमस्कार।